आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नई खबर लेकर। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन के राजपुरा गांव में रहने वाले रिटायर्ड फौजी कैप्टन मास्टर सिंह सेंगर से, जिन्होंने सन 1961 में सेना ज्वाइन की। सेना में रहते हुए पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना का अंग बनकर युद्ध के मैदानों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिन्हें उनकी ईमानदारी के लिए गुजरात में विशेष पुरस्कार भी दिया गया था। नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आज़ादी के उन सूरमाओं से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने इस आज़ादी के इस मिशन में, यानी आज़ादी के इस महायज्ञ में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आज 6 अगस्त और आज छठवीं कहानी के साथ हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन के राजपुरा के रहने वाले कैप्टन मास्टर सिंह से। मास्टर सिंह सेंगर, इनका द नेम इज एनफ, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में एक तो 32 साल से ऊपर इनको पेंशन लिए हुए हो गए हैं, तो आज भी वो रूल ऑफ रेगुलेशन आज भी कायम किए हुए हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या में कायम किए हुए हैं। साथ ही बच्चों को शिक्षा दीक्षा तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही देशभक्ति का एक जज्बा होता है, वो भी ये उसके लिए कार्यक्रम प्रोत्साहित रखते हैं। मास्टर सिंह जिन्होंने 1961 में देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन की, उसके बाद 62, 64, 65 और 71 चार महत्वपूर्ण युद्धों में अपना योगदान दिया है, ऐसे मास्टर सिंह सेंगर से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं मास्टर सिंह सेंगर से और उससे पूछते हैं कि आर्मी को इनकी शुरुआती दौर में क्या हालात थे, किस तरीके से उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी, कैसे उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वहाँ जाकर क्या क्या किया और किन किन युद्धों में भाग लिया और अब वो क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ विस्तार से बात करेंगे मास्टर सिंह सेंगर से। मेरा नाम है कैप्टन मास्टर सिंह। अच्छा, आपने किस सन में आर्मी ज्वाइन किया? मैं 1961 में अगस्त में मैं आर्मी ज्वाइन किया। किस पद से आपने ज्वाइन किया था? मैंने सिपाही से स्टार्टिंग किया था। अच्छा, रमनी जी, उस समय 1961 में जब आपने आर्मी ज्वाइन की थी, उस समय आप गांव के हालात क्या थे? हमारे गाँव हालातों में आपने आर्मी ज्वाइन की? हमने ऐसी स्थितियाँ थी कि कोई अच्छे साधन नहीं थे जो हम आगे और पढ़ सकते या कुछ और कर सकते, तो हमने आर्मी में जाना उचित समझा और भावना भी थी पहले से, बचपन से ही भावना थी कि हम आर्मी में जाएंगे, क्योंकि ड्रेस वगैरह पहन करके बड़ा उत्साह हुआ करता था कि हम आर्मी ज्वाइन करें। अच्छा, 1961 में जब आपने आर्मी ज्वाइन की, सबसे पहला ऑपरेशन आपका कहाँ हुआ और विस्तार से बताएं जरा हमारे जो को। हमारा सबसे पहला ट्रेनिंग के बाद हमने नासिक में ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद हमारी यूनिट जो है, हमारी यूनिट में पोस्टिंग हो गई 127 एक डिब्लिक बैटरी हुआ करती थी, उसमें हमारा पोस्टिंग हो गया और हम जलंधर में पोस्टेड हो गए। जलंधर में पोस्टिंग जाने के बाद वहाँ चंद दिनों के बाद चाइनाबाद स्टार्ट हो गया। चाइनाबाद जब स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर हमारी यूनिट को भी जाने के लिए आदेश मिला और हमारी यूनिट है वहाँ से रवाना हो गई और जाके असम के, बंगाल के सिलीगुड़ी में जा कर के हम लोगों ने पहला पड़ाव वहाँ पर किया। इसके बाद हम लोगों को उसी समय पर तत्काल रूप में सिक्किम में भेज दिया गया, जहाँ पर लड़ाई उस समय पर चल रही थी, परंतु हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, इसलिए 4-5 दिन के बाद वहाँ पर सीज फायर हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर 1962 या 65 में कैसे क्या हुआ अगर आप पता? 1965 में हम लोग चाइना बॉर्डर पर, वहाँ पर उसी तरह से जिस तरह से वायर का सिस्टम होता है उसी तरह से हम लोग डिप्लाई थे और वहाँ पर भी चाइना से अटैक होने की संभावना थी कि यहाँ पर चाइना अटैक भी कर देगा, तो वहाँ पर हम लोगों को डिप्लाई था 65। 71 वार जो पाकिस्तान के साथ होता है, 71 वार में हम लोग छंब सेक्टर में बड़ी भयानक लड़ाई हुई थी। सबसे ज़्यादा इंडिया का जो लड़ाई हुआ था वो छंब सेक्टर में हुआ था और वहाँ से हमारी आर्मी को कुछ पीछे विड्रॉ भी करना पड़ा था। वहाँ पर इतनी संघर्ष लड़ाई थी कि हमारे ही यूनिट के 12 जवान वहाँ पर शहीद हुए थे और उन्होंने जो
पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने हमारे छंद में उनके कमांडो वगैरह पीछे पुल पर आकर के बैठ गए थे। जब हमारी यूनिट वहाँ से पीछे विड्रॉ कर रही थी तब उन्होंने हमारी यूनिट के ऊपर फायर कर दिया था जिसमें हमारे 12 जवानों की कैजुअल्टी हो गई। अच्छा, उस समय का मंजर कैसा रहा होगा जब शहीद हुए 12 जवान आपकी यूनिट के एक साथ शहीद हुए थे, वो उस समय का मंजर कौन सा बताएं? मंजर तो बहुत भयानक था, लेकिन अपना फर्ज निभाते हुए आर्मी के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग अपने तत्पर कार्य में संलग्न थे और उनको श्रद्धांजलि या उनकी बॉडी वगैरह को लेकर के हम लोगों ने बेस एरिया में पीछे भेज दिया था, लेकिन हम लोगों ने वहीं पर जाकर के दोबारा डिप्लॉय किया। हमारी यूनिट का जो काम था साउंड लैंडिंग, साउंड से हम दुश्मन की लोकेशन को एडजस्ट करते थे और उनका रेफरेंस, उनकी मतलब लोकेशन हम एयरफोर्स और जो अपने हैवी गन यूनिटों को उसकी लोकेशन देते थे जिससे वे वहाँ पर जाकर के एक्यूरेट फायर कर सकें। अच्छा, किस सन में आपका प्रमोशन हुआ था और किस सन में आप जो है रिटायर्ड हुए थे? हमारा प्रमोशन तो स्टार्टिंग हो गई थी हमारा 64 से। 64 में सर प्रथम में लांस नायक बना, इसके बाद नायक बना, हवलदार बना, इसके बाद में नायब सूबेदार बना। सूबेदार 28 साल मैंने सर्विस किया और सूबेदार से ही मुझे 28 साल में फिरोजपुर से मैं रिटायर हो गया और हमको ऑनरेडी कैप्टन का रैंक भारतीय सरकार भारतीय गवर्नमेंट ने हमको दिया। अच्छा, आपको एक राष्ट्रपति द्वारा एक पुरस्कार भी मिला है, हमको इस चीज के लिए मिला है, क्या पुरस्कार है? कमेंडेशन कार्ड है जो 1982 में हम लोग वहाँ थे अहमदाबाद में धरंगधरा में थे, वहाँ पर हमारी यूनिट की ड्यूटी वहाँ अहमदाबाद में हमको डिप्लॉय किया गया। वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को वहाँ ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था और वहाँ की जनता वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि रोड से रात को किसी को भी निकलने के लिए आदेश वगैरह कुछ भी नहीं था और वहाँ से एक गाड़ी आई और उसको हमारे जवानों ने रोका, गाड़ी नहीं रुकी। इसके बाद और दूसरे जवानों ने थे उस गाड़ी को रोका, उसकी खाना तलाशी ली और उसमें चेकिंग किया तो उसमें एक पुराने फटे से पुराने थैले में कुछ कैश था जो हम लोगों ने उस कैश वगैरह को ले लिया। लेने के बाद हमने उसने बहुत लालच दिया हम लोगों को कि आप ये पूरा कैश ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, लेकिन हम लोगों को छोड़ दो। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और थाने में जाकर के उसको वो हमारी जब ड्यूटी लगती थी तो वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते थे तो पुलिस वाले जो हैं उसको लेकर के थाने चले गए और उन्होंने वहाँ पर उसको जो भी उनके साथ किया हो। लेकिन मेरी मंशा ये हो गई कि ये कैश अगर हम पुलिस को दे देंगे तो ये इसके पास में कैश नहीं रहेगा, इसको यह कैश नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमने जब सुबह हुई वो कैश लेकर के हम उसी थाने में पहुंचे। थाने में वो कैश जब मैंने उससे जिसका वो कैश था उससे कहा कि आप अपना ले लीजिए और आप अपना संभालिए कैश, उसने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि पता नहीं उसके अंदर क्या भावना थी। वो बोलता ये ले जाओ बराबर बराबर गुजराती में बोलता रहा, लेकिन हमने वो कैश उसको हैंड ओवर किया। जब मैंने हैंड ओवर किया और मैंने उससे कहा मुझे लिख करके दे दो कि मैंने कैश रिसीव कर लिया, तो वो जब देने लगा तो पुलिस के जो आदमी थे वो आ गए, बोला ऐसा नहीं हो सकता है, आप क्या नाम इसको जमा कराइए और रसीद दीजिए। हमने कहा ठीक है आप जमा कर लो, हमको रसीद दे दो। तो उन्होंने जब वो गिनना शुरू किया तो उसमें 10,000 की गड्डी ही पुलिस ने गायब कर दिया। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था बोलता है बराबर बराबर हो गए, जमा करा करके हम चले आए, लेकिन हमको कोई भी रसीद वगैरह उन्होंने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी के लिए राष्ट्रपति ने आपको पुरस्कार, हम बताते हैं आपको। इसके बाद क्या हुआ,
जब सुबह हुई तो हमारे पत्रकार, आर्मी के पत्रकार हुआ करते थे और सब हुआ करते थे, वो मेरे पास सुबह हमारी यूनिट में आए हमारा स्टेटमेंट वगैरह लेने के लिए। तो हम वहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं ड्यूटी पर चला गया था, तो वो चले गए और उन्होंने कहा कि शाम को इनको भेज देना। वो थाने गए, थाने में पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसको समझाया कि तुम किसी भी प्रकार से बचोगे नहीं, क्योंकि ना तुम्हारे पास लाइसेंस है, ना तुम्हारे पास पैसे का रिकॉर्ड है, ना तुम्हारे पास गाड़ी के कागज है, तुम फंस जाओगे। तो उन्होंने पैसा ले दे करके क्या स्टेटमेंट उससे लिखा दिया कि हमें आर्मी वालों ने रोक करके मुझे लूट लिया और हमारा पैसा और था वो हमारा उन्होंने आर्मी वालों ने खींच लिया। जब हमारे जनरल साहब का नाम एक जनरल साहब थे पत्रकार महोदय, उन्होंने जब थाने में जा कर के ये स्टेटमेंट लिया और उनको इस कहानी का पता लगा, तब फिर उन्होंने जा कर के हमारे जनरल साहब को ये बात बताया। जनरल साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तो उस समय पर अहमदाबाद का पूरा कंट्रोल हमारे जनरल साहब के अंदर था, उन्होंने सब SP और उनको सबको वहाँ पर बुलाया और उन्हें ये हिदायत दी कि इसकी हमें सही सही जानकारी 2 दिन के अंदर हमको चाहिए। तो उन्होंने जो कुछ भी किया हो, लेकिन हमारा उसमें भाग्य था, जनरल साहब को बड़ौदा में एक पार्टी में इनवाइट किया गया। जनरल साहब उस पार्टी में गए और वहाँ पर जिसका वो पैसा था बड़ौदा वाले का, वो भी उस पार्टी में शामिल था, उसने जनरल साहब से ये बातचीत करते हुए कहा, अपना परिचय देते हुए, कि आर्मी के लोग बहुत ईमानदार होते हुए, और उन्होंने अपनी ये पूरी कहानी बताई। तब फिर जनरल साहब ने मुझे दूसरे दिन बुलाया और हमारी बहुत बड़ी तारीफ वगैरह किया। तारीफ करने के बाद उन्होंने हमें कमेंडेशन कार्ड के लिए रिकमेंडेड किया, जो हमें जनरल के द्वारा ये अवार्ड हमको दिया गया कमेंडेशन कार्ड। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद अब आपकी दिनचर्या कैसी है, क्या है, क्या करते हैं समय? रिटायर होने के बाद मैं एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं सबसे पहले SP रतिराम साहब यहाँ पर एक थे, बहुत पुराने थे, वो भी रिटायर होने वाले थे। मैं उनके पास ऐसे ही मिलने के लिए एक दिन पहुँच गया, तो उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब आप पेंशन आ गए, कैसा महसूस करते हो? मैंने उन्हें एक जवाब दिया, न तो किसी ने स्वर्ग देखा है, ना किसी ने नरक देखा है, सभी महसूस करते हैं कि स्वर्ग में अच्छा होता है, नरक में बुरा होता है। मैंने कहा मैं उसी तरह से महसूस करता हूँ आर्मी के बाद कि मैं आर्मी में स्वर्ग में था और यहाँ मैं नरक में था। क्यों? तो उन्होंने मुझसे क्यों का सवाल किया, तब मैंने उनसे कहा आज के गांव का वातावरण ऐसा है कि कोई भी खुश नहीं है अच्छे आदमी। मैं अपने बाबा पे बहुत गर्व करता हूँ, जो 30 साल उन्होंने सेवा की है आर्मी के साथ। उनको उनकी बातें सुनकर इतना गर्व महसूस होता है कि बयान नहीं कर सकते शब्दों में। मैं अपने सभी साथियों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे सभी सेना की तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती में जाएं, ज्वाइन करें। ये सेना कोई नौकरी नहीं है, ये शान है, देश की शान है, जो बहुत ही गर्व की बात है अपने लिए। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और ITI डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627 7068280628। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन ले जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज BSc कृषि, BA, BCom, BSc मैथ्स, बायो। श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, ग्राम धबाकर, मऊरानीपुर, झांसी। कॉन्टैक्ट 7470089
8229।